बीट। आईफोन के लिए अगर आप एक वायरलेस चार्जर चाहते हैं एक पोर्टेबल स्पीकर के साथ, तो ये गैजेट खास इसीलिए बना है। ये एक तरीके का बेहद छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर होता है जिसमें कि आपको हाई क्वालिटी बेस मिल जाएगा, जिसका साउंड आपके फोन की तुलना में काफी लाउड होता है। साथ ही आपको ये वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन देता है जिससे कि आप जहां चाहें फोन को चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिव टेक्नोलॉजी बेस्ड इस वायरलेस चार्जर में आपको स्टीरियो स्पीकर्स के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि दो उसी तरीके के आप वायरलेस स्पीकर को कनेक्ट कराकर स्टीरियो साउंड को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है 1280 mAh की पावर बैंक, जो कि सिंगल चार्ज पर 8 घंटों का स्पीकर प्ले टाइम देती है। साइज भी छोटा होने की वजह से इसे आप कहीं भी लेकर आसानी से ट्रैवल भी कर पाएंगे। नंबर सेकंड, कीपम कूल बॉटल। कोल्ड ड्रिंक्स को अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं तो अक्सर काफी लंबी खिंच जाती है उसकी बॉटल, और ऐसे में उसका टेम्परेचर ना बढ़े वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि खास तौर पर बॉटल्स और कैंस के लिए बनाया गया है। ये एक तरीके की कवरिंग होती है जिसमें कि आप अपनी कांच की बॉटल या फिर किसी भी साइज के कैन को रख सकते हैं, जिससे कि बॉटल और कैन का टेम्परेचर ना बढ़े और आप आराम से अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर पाए। इसके कैप में आपको बॉटल ओपनर का भी फीचर दे रखा होता है, जिससे कि आप किसी भी तरीके के कैन या फिर बॉटल को ओपन कर सकते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से ये आपकी बॉटल के लिए एक कवरिंग का भी काम करेगा, जिससे कि अगर आप कहीं अपनी बोतल को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफली इसमें रखकर ले जा सकते हैं। नंबर थर्ड, वेंट्रॉन मैग्नेटो माउस। लैपटॉप और टैबलेट के साथ अगर आप माउस का इस्तेमाल करते हैं तो ये मैग्नेटिक माउस आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि इसे आप कहीं भी अटैच करके अपने साथ ले जा सकते हैं। इस माउस की खास बात ये रहती है कि इसका निचला हिस्सा मैग्नेटिक होता है, जिससे कि किसी भी मेटालिक सरफेस को अटैच कर लेता है, जो कि इस माउस को कैरी करना आसान बना देता है। वही दोस्तों, इसका स्लिक डिजाइन आपको बेहद इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप जहां चाहें इसे अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। ये माउस आपको एक रिमोट कंट्रोल की भी सुविधा देता है, जिससे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अपने टैबलेट या फिर लैपटॉप के साथ एज अ रिमोट कंट्रोलर, जिससे कि मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस में स्लाइड चेंज करना काफी आसान हो जाता है। वहीं इसको इस्तेमाल करके आप आसानी से एक स्क्रीन पर दूसरी स्क्रीन से स्विच कर सकते हैं। नंबर 4, Logitech M575 माउस। Logitech का ये माउस आपको इसलिए इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि इसका डिजाइन आपको नॉर्मल माउस की तुलना में काफी ज्यादा अलग सा दिखाई देगा। ये एक तरीके का एर्गोनॉमिक माउस होता है, जिसे कि खास तौर पर बनाया गया है ऐसे जिसे कि आप एक लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिना हैंड पेन के। इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन इसे बेहद अलग बनाता है, जहां पर आपको कीज का कुछ ऐसा कंट्रोल देखने को मिलेगा जिसे कि आप अपने हाथ को नॉर्मल पोस्चर में रखकर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन कीज भी देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि गेमिंग और एडिटिंग आसान हो जाती है। वहीं इसमें अटैच बॉल का इस्तेमाल आप गेमिंग के दौरान भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी मजा आएगा। नंबर 5, फ्लेक्स टेल गियर टाइनी पंप। एयर बैडिंग्स को फुलाने के लिए अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा इन्फ्लेटर जिसका इस्तेमाल आप एक इन्फ्लेटर और डिफ्लेटर दोनों के तौर पर कर पाएं, तो ये गैजेट खास तौर पर इसी के लिए बनाया गया है। ये गैजेट साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसे कि आप अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक इन्फ्लेटर और डिफ्लेटर के तौर पर तो काम करेगा ही, साथ ही आपको एक इसमें LED टॉर्च भी देखने को मिल जाती है, जो कि मल्टीपल ब्राइटनेस लेवल पर काम करती है। वहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप एक एयर ब्लोवर के तौर पर, जैसे कि अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं और आपको आग जलानी है तो ये एयर ब्लोवर काफी काम आएगा। इसमें दी गई टॉर्च लाइट आपके लिए एक लैंप का भी काम करती है, जो कि मैग्नेटिक बेस के साथ आती है, जिसे कि किसी भी आयरनी सरफेस में लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से इसे आप आसानी से पॉकेट में लेकर कहीं भी कैरी कर पाएंगे। नंबर 6, XCP मैग्नीफाइंग ग्लास। बचपन में हम सभी लोगों ने मैग्नीफायर से तो जरूर खेला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैग्नीफायर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेना, तो ये गैजेट आपको वो चीज देता है। क्योंकि दोस्तों, इस मैग्नीफायर का इस्तेमाल आप रात में भी कर सकते हैं। इस मैग्नीफायर में आपको एक रिंग लाइट दे रखी होती है, जिसे कि आप चार्ज करके इस्तेमाल कर पाएंगे, और जब भी आपको किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना है रात के समय या फिर कम रोशनी में, तो आप इसकी लाइट को ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाती है। लेकिन फिलहाल आप अभी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या आपने भी मैग्नीफायर से खेला है, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो होना चाहिए। नंबर 7, मार्स प्लांटर। अब जो गैजेट आप देख रहे हैं वो खास तौर पर इंस्पायर्ड होता है मार्स प्लैनेट से। देखा जाए तो ये एक तरीके का फ्लावर पॉट होता है, लेकिन इसमें आपको काफी सारे एडवांस फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आप सेल्फ वाटरिंग का फीचर देख सकते हैं। बस आपको एक बार इसमें पानी भर देना होता है, बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी पेड़ों को पानी की जरूरत होती है, ये खुद ब खुद ही पानी सर्व कर देता है। इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक लाइट लगी हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। इसमें आपको अलग अलग लाइट ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप प्लांट की जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ये खासतौर पर इंडोर प्लांट्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि सन के बिना ही इंडोर में प्लांट्स ग्रो हो सकेंगे। इसे आप चाहें तो अपनी टेबल पर सजा कर रख सकते हैं और डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह इसमें लगा सकते हैं। तो अगर आप भी इंडोर प्लांट्स के शौकीन हैं, तो इस गैजेट को इस्तेमाल करेगा, जिससे कि आपके प्लांट की लाइफ वाकई काफी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 8, आर्कवेयर्स मिनी ड्रायर।
सर्दी के मौसम में ड्रायर का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं अपने कपड़े सुखाने के लिए, और एक ऐसा ही ड्रायर अब आप देख रहे हैं जो कि साइज में इतना ज्यादा छोटा रहेगा कि इसे आप इंडिविजुअली कहीं पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक तरीके का एयर ब्लोअर होता है जो कि गरम गरम हवा थ्रो करता है। इसके साथ आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप उन कपड़ों को रख सकते हैं जिन्हें आपको सुखाना है, और कुछ ही मिनटों के लिए जब आप इसे ऑन करते हैं तो पूरा पैकेट गर्म हो जाता है और आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। इसका इस्तेमाल आप सर्दी के मौसम में अपने शूज को सुखाने के लिए तो कर ही सकते हैं, वहीं सर्दी में ये आपके लिए एक हीटर ब्लोअर की तरह भी काम करेगा जिससे कि आप अपने हाथ पैरों को गर्म रख पाएंगे और अपनी बेडिंग्स को भी गर्म रख सकते हैं। तो एक तरीके का मल्टीपर्पज ब्लोअर कम ड्रायर होता है जिसके लिए एक लैग तो होना चाहिए। नंबर 9, एक्सिस द फ्लॉन्डर। टाइटेनियम का बना हुआ ये एक तरीके की कीरिंग जैसा दिखने वाला ऐसा गैजेट है जिसमें कि आपको छोटे छोटे काफी मल्टी टूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक मैग्नेटिक पेन देखने को मिल जाता है और साथ ही मिल जाता है एक बिट ड्राइवर जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। ये एक फायर स्टार्टर और बॉक्स ओपनर के तौर पर भी काम करेगा। इसके साइड में आपको बॉटल ओपनर और कैन ओपनर के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही नेल पुलर और एक छोटी सी सॉ का भी फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। साइज छोटा होने की वजह से आप इसे अपनी कीरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी लेकर आसानी से कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ मिलने वाले छोटे छोटे टूल्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं जो कि मुझे भी बेहद इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 10, आउटडोर कैंपिंग लैंप। कैंपिंग के दौरान हमें चाहिए होती है एक ऐसी छोटी सी लैंप जिसकी रोशनी काफी तेज हो और 360 डिग्री में हम उसका इस्तेमाल कर पाएं, और ये कैंपिंग लैंप कुछ ऐसी ही होती है। साइज वाइज देखा जाए तो ये एक बोतल के साइज की रहेगी जिसे कि आप इजीली अपने बैग में लेकर कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 अलग अलग लाइट बार्स दे रखे होंगे जिन्हें कि अगर आप चाहें तो चारों तरफ 360 डिग्री में आप लाइट स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको एक पॉइंट पर फोकस करना है तो ये लाइट बार सामने की तरफ मुड़ भी जाते हैं जिससे कि एक ही पॉइंट पर सारे के सारे लाइट बार फोकस कर सकते हैं, जिसकी जरूरत आपको टेंट के अंदर पड़ती है। तो ये लाइट खासतौर पर बनाई गई है कैंपिंग लवर्स के लिए, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जरूर से इसे एक लाइक तो दीजिएगा। नंबर 11, कैंपिंग लैंटर्न। किसी भी कैंपिंग ट्रिप में लाइट का पोर्टेबल होना काफी जरूरी होता है, और ये एक तरीके की ऐसी ही कैंपिंग लाइट होती है जो कि साइज में इतनी ज्यादा छोटी रहेगी कि आपकी पॉकेट में भी इजीली आ जाए। दिखने में ये लाइट आपको नॉर्मल किसी भी टॉर्च लाइट से काफी अलग नजर आती है जिसमें कि एलईडी ट्यूब्स चारों तरफ लपटी हुई देखने को मिल जाती है। इनकी ब्राइटनेस को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका बैटरी बैकअप लगभग 6 घंटों का होता है जो कि काफी बेहतर रहेगा। इसके साथ आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड भी मिलता है जिससे कि इसे इंस्टॉल करना काफी आसान रहेगा, और यही नहीं इसका इस्तेमाल आप हैंगिंग मोड पर भी कर सकते हैं। नंबर 12, स्लैश ब्लेड। तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन कैप्सूल जैसा दिखने में लगने वाला ब्लेड हो सकता है आपने पहले कभी ना देखा हो। ये एक ऐसा शार्प ब्लेड होता है जो कि कैप्सूल के केस में रहता है जो कि टाइटेनियम का बना होगा। इसके अंदर आपको एक शार्प ब्लेड देखने को मिल जाता है जो कि साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि नॉर्मल इसे कोई भी गौर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा धारदार होता है कि आप इसका इस्तेमाल एक बॉटल ओपनर या फिर किसी भी चीज को काटने के लिए बड़ी ही आराम से कर सकते हैं। वहीं इसका इस्तेमाल एक छोटी सी कीरिंग के तौर पर किया जा सकता है जहां पर ये लोगों की नजर में आए बिना मल्टी टूल गैजेट्स की तरह हमेशा आपके साथ रहेगा। नंबर 13, बर्नज़ोमैटिक डिजिटल फ्यूल गेज। अक्सर चीजों का भार नापने के लिए हमें एक वेइंग मशीन की जरूरत पड़ती है, और खास तौर पर इसकी जरूरत हमें तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब घर पर सिलेंडर डिलीवर होता है। तो ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल गेज होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर सिलेंडर को तौलने के लिए किया जा सकता है। इसकी खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको एक डिजिटल मीटर दे रखा होता है, और जब भी आप सिलेंडर को इसमें फंसा कर उठाते हैं तो ये फौरन डिजिटल वे में उसका भार बता देता है जिससे कि आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके सिलेंडर में गैस कम तो नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से सिलेंडर या फिर इसी तरीके की चीजों का भार नाप सकते हैं इस गैजेट की मदद से। नंबर 14, लेजर डिस्टेंस मेजर। वैसे तो लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हम लोग मीटर टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी मेजरमेंट इतनी एक्यूरेट नहीं होती। वहाँ पर काम आता है इस तरीके का लेजर डिस्टेंस मेजर जो कि खास तौर पर बनाया गया है चीजों को प्रिसाइजली नापने के लिए। इस गैजेट की खास बात यह होती है कि इसे आप कहीं पर भी बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। आप जिस भी जगह पर इसे पॉइंट करते हैं ये फटाफट उसकी डिस्टेंस आपको इस पर लगी हुई एक छोटी सी डिस्प्ले में दिखा देता है जो कि मीटर टेप की तुलना में काफी हद तक प्रिसाइज होती है, जिसे कि आप आगे जाकर स्टैटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैजेट आपको स्मार्टफोन ऐप सपोर्ट भी देता है जिसमें कि आप फोटो खींचकर ये भी फिलअप कर सकते हैं कि किस जगह की लेंथ आपने कितनी मेजर करी है। तो नॉर्मल मीटर टेप्स को बाय बाय कहने के लिए ये गैजेट अपने आप में वाकई काफी कमाल है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा ये गैजेट्स आपको कैसे लगे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएगा कि इसमें से कौन सा गैजेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। वीडियो लाइक करके चैनल को